रामनगरी अयोध्या जिले में भव्य राम मंदिर निर्माण को दो दिन से चल रही बैठक समाप्त हो गई, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी और महासचिव चंपत राय शामिल रहे। जिसमें बैठक राम मंदिर निर्माण के दौरान आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य में तेजी लाने पर गहनता से विचार किया गया कि कौन सा काम किस समय तक पूरा करना, उसके लिए आवश्यक वस्तु कहाँ से आएगी, कितने समय में आ जाएगी, परिसर में कहाँ रखी जाएगी, किस दिशा में रखने से क्या कठिनाई होगी, कौन सा काम अगर पहले कर देंगे तो भविष्य में यह बाधा आएगी, ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीकियों की चर्चा सब इंजीनियर लार्सन टुब्रो, टाटा कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट ये आपस में बैठकर करते हैं। ये भी विचार करते हैं कि परिसर के बाहर का जो शेष अयोध्या है, हमारी कोई योजना शेष अयोध्या से बाधक ना बन जाए, हमारे कारण उनको, उनके कारण हमको दिक्कत ना खड़ी। चंपत राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक राम मंदिर निर्माण के दौरान आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर कर जल्द जल्द निर्माण कार्य में तेजी लाने पर गहनता से विचार किया गया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के प्लिंथ के लिए मिर्जापुर स्टोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जिसका ऑर्डर भी दे दिया गया। उन्होंने बताया कि प्लिंथ के वाटर प्रूफिंग के लिए प्लिंथ के चारों ओर ग्रेनाइट पत्थर की तीन परतें लगाई जाएंगी। वहीं मंदिर के परकोटा के लिए जोधपुर पत्थर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर पत्थर के विनिर्देशों को अंतिम रूप आर्किटेक्ट और मैसर्स टीसीई के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाले वंशी पहाड़पुर के पत्थरों को लेकर सरकार और भारत सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही पत्थर की खरीद का काम शुरू होने की संभावना है।